राधे कृष्ण दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट होती है। छत्तीसगढ़ समान निगम लाइव लाइव आ चुके हैं क्या? लाइव आ चुके हैं ना? लाइव चलिए लाइव आ चुके हैं तो क्लास स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ समान निगम, यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ समान निगम से आपको पूछे जाएंगे छात्रावास अधीक्षक, एडीओ और सब इंस्पेक्टर की क्लास, तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के समान ज्ञान में यहाँ आपको नदी अपवाह तंत्र से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए सभी लोग क्लास ज्वाइन कर चुके हैं ना, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्लास है आपका छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की, आज से स्टार्ट हो चुकी है। नदी अपवाह तंत्र से क्वेश्चन देखेंगे, चलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्टूडेंट, छत्तीसगढ़ सामान्य के हाँ सब इंस्पेक्टर की क्लास चल रही है और छात्रावास अधीक्षक और एडीओ तीनों ही एग्जाम में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए पहला है आपका प्रश्न, अपवाह तंत्र का सही क्रम क्या होगा? अपवाह तंत्र का सही क्रम क्या होगा? टेस्ट सीरीज चल रहा है ना, ज्वाइन कीजिएगा, टेस्ट सीरीज चल रहा है। अपवाह तंत्र का सही क्रम क्या होगा? चलिए बताइए, ऑप्शन ए महानदी गोदावरी या गंगा, या ऑप्शन बी महानदी गंगा या गोदावरी, ऑप्शन सी कहता है गोदावरी महानदी और गंगा, या ऑप्शन डी है गोदावरी गंगा या महानदी। तो इसका आंसर आपका ए होगा, महानदी गोदावरी फिर गंगा, ठीक है। अपवाह तंत्र का सही क्रम होगा, महानदी पहला आएगा, उसके बाद गोदावरी फिर गंगा। अब परसेंट की बात करें तो ध्यान से समझिएगा इसका परसेंट, ठीक है। महानदी का जो प्रतिशत है 56.... हाँ बिल्कुल, महानदी का जो प्रतिशत है 56.15%, यानी कि 56.15%। गोदावरी की बात करें तो हाँ, गोदावरी का नोट करें 28.64, ठीक है। गंगा की बात करें तो 13.63, ठीक है। इसके बाद इसका और क्रम है, पांच है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र को पांच भागों में बांटा गया है, यहाँ पर तीन ऑप्शन दिया गया है, महानदी गोदावरी और गंगा, लेकिन चौथा में आपको कौन सा होगा? ब्राह्मणी नदी होगा, ठीक है। चौथा में आपका ब्राह्मणी नदी है, तो उसका प्रतिशत आप नोट कीजिएगा, ठीक है, 1.00 ब्राह्मणी नदी का। इसके बाद है आपका कौन सा है, कौन सा है जल्दी बताइए, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी जो छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी नदी है, और सबसे बड़ी नदी की बात करें तो महानदी, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी अपवाह तंत्र कौन सी नदी है? महानदी। दूसरी में है दक्षिण नदी, यानी कि गोदावरी नदी, ठीक है, 0.55, ठीक है। किसका है? नर्मदा नदी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु किस नदी का है? स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव किस नदी पर बना है? तो कौन सी नदी पर बना है? देखिए स्वर्गीय जो दिलीप सिंह जुदेव नदी है वो आपका महानदी पर बना है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, महानदी और शिवनाथ नदी के संगम स्थल पर कौन सा तीर्थ स्थल मौजूद है? तो महानदी और शिवनाथ नदी के संगम स्थल पर शिवरी नारायण स्थित है, ठीक है, शिवरी नारायण स्थित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज चल रहा है ना, बिल्कुल, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए राजेश का आंसर आ चुका है, दिलीप का आंसर आ चुका है, मोहन का आंसर भी आ चुका है, रीना का आंसर नहीं आया है, रीना का आंसर नहीं आया है, चलिए ठीक है। वीडियो को लाइक करते चलिए ना, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। हाँ सब्सक्राइब करो या ना करो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना हो सके वीडियो को लाइक करना जरूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर वीडियो को अगर लाइक करते हो तो दोबारा आपके पास यूट्यूब आपको वीडियो का लिंक भेजेगा, अन्यथा आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। मेरा काम क्या है? आपको पढ़ाना है, मैं आपको पढ़ाऊँगा, वीडियो अपलोड करके चला जाऊँगा, लेकिन आपको दोबारा वीडियो नहीं दिखेगा, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है, ठीक है। सब्सक्राइब करो या ना करो उससे मुझे कोई प्रभाव नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करोगे, इससे मुझे क्या पड़ेगा, है ना। मेरा काम है आप सभी को पढ़ाना, आप सभी को गाइड देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्या है, हाँ लाइक करोगे तो आप ही को फायदा होगा, मुझसे क्या होगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। जितना हो सके आप लाइक करोगे आपको दोबारा वीडियो का नोटिफिकेशन भेजा जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। चलिए हाँ बाकी लोग जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी नदी कौन सी है जल्दी बताइए, छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है, छत्तीसगढ़ की जो सबसे लंबी नदी है वो आपका शिवनाथ नदी होगा, ठीक है।
290 किलोमीटर, ठीक है 290 किलोमीटर होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब महानदी का किलोमीटर बताइए तो जल्दी। हाँ महानदी का छत्तीसगढ़ में कितनी बहती है, 286 किलोमीटर, ठीक है छत्तीसगढ़ में, जबकि टोटल कितना है 858 किलोमीटर है छत्तीसगढ़ में, नहीं पूरा, ठीक है महानदी का जो बहती है 858 किलोमीटर, जबकि छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर ही बहती है, ठीक है महानदी का। राजिम तीर्थ स्थल पर किन तीन नदियों का संगम स्थल है, तो चलिए बताइए राजिम तीन, हाँ राजिम तीन स्थल पर तीन नदियों का त्रिवेणी संगम है कौन सा है, तो महानदी पैरी या सोंडूर, या दूसरा ऑप्शन है महानदी पैरी या खारून, या तीसरा है महानदी पैरी या इंद्रावती, या चौथा है आपका महानदी पैरी या गोदावरी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला महानदी पैरी और सोंडूर, जो कि राजिम के तीनों ही नदियाँ त्रिवेणी संगम में आती हैं, महानदी पैरी और सोंडूर, ठीक है बिल्कुल हाँ छत्तीसगढ़ में ही बहती है महानदी, ठीक है राजिम तीन नदियों का संगम है, बिल्कुल राजेश हाँ। चलिए लीना कह रही है खारून पैरी नहीं, एक मिनट ना एक मिनट, देखिए यहाँ पर महानदी पैरी और सोंडूर होगा, खारून नहीं आएगा, खारून रायपुर में बहती है, ठीक है खारून कहाँ है, रायपुर में, ठीक है। मुंगरा बैराज किस नदी पर बना है, चलिए अब मुंगरा जो बैराज है कौन सा नदी पर बना है, ठीक है जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ बहुत लोगों का आंसर आ चुका है शिवनाथ नदी, ठीक है बिल्कुल राइट शिवनाथ नदी होगा, जो मुंगरा बैराज है वो आपका शिवनाथ नदी हो जाएगा। हाँ हाँ थैंक यू, जितने बच्चे जुड़ चुके हैं वीडियो को एक बार लाइक करके रख लीजिएगा, चलिए हाँ सब्सक्राइब ना करो या ना करो उससे मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है बस वीडियो को लाइक करना जरूरी है, आप ही लोगों को फायदा होगा, ठीक है जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करोगे शेयर करोगे आप ही लोगों को फायदा होगा, यूट्यूब आपको फिर से नोटिफिकेशन भेजेगा, मेरा काम क्या है आपको पढ़ाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महानदी का विस्तार छत्तीसगढ़ में कितना है, देखिए अभी को आप सभी को पहले जस्ट बताया हूँ कि महानदी का जो विस्तार है कितना है, तो देखिए टोटल आपका 858 किलोमीटर है, टोटल आपको 858 किलोमीटर है, जबकि छत्तीसगढ़ में कितनी बहती है 286 किलोमीटर, कितनी है 286 किलोमीटर, तो देखिए आपका यहाँ पर मिल गया है ऑप्शन पहला हो जाएगा 286 किलोमीटर, ये 290 नहीं होगा, लीला कह रही कैसे 290 होगा, 290 तो शिवनाथ नदी का होगा ना, 290 शिवनाथ नदी का होगा, जो हाँ छत्तीसगढ़ सबसे लंबी बहने वाली नदी पूछा जाए तो शिवनाथ नदी बोलोगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदी बोला है तो महानदी, ठीक है महानदी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लीलागढ़ व बोराई नदियाँ किस नदी की सहायक नदी, जो लीलागढ़ है ठीक है लीलागढ़ और बोराई नदी है आपको किस नदी की सहायक नदी है, तो वो महानदी की सहायक नदी, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन शिवनाथ नदी महानदी इंद्रावती या गोदावरी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका, लीलागढ़ व बोराई आपका हाँ बिल्कुल महानदी में ही आएगा ना। देखिए आप सभी को नदी अपतंत्र की क्लास में करवा चुका हूँ, नदी अपतंत्र हम पाँच भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा है आपका, पहला कौन सा है महानदी, दूसरा गोदावरी, तीसरा सोन नदी, सोन नदी को ही गंगा नदी कहा जाता है, ठीक है चौथा है आपका ब्राह्मणी नदी, और पांचवा है आपका नर्मदा नदी, जो कि नर्मदा नदी सबसे छोटी नदी है, हाँ बिल्कुल सबसे छोटी नदी अपवाह तंत्र, सबसे बड़ी नदी अपवाह तंत्र की बात करें तो सबसे जल जल विभाजक में हाँ सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र महानदी है, और दूसरे में बात करें तो आपका गोदावरी नदी। चलिए अब तीसरा के नाम क्या है, तीसरा मैं आप सभी को बताया हूँ सोन नदी, ठीक है सोन नदी यानी कि गंगा नदी, ठीक है। चलिए लीलागढ़ व बोराई नदी, हाँ बिल्कुल सही है राजेश, हाँ लीला का भी सही आ गया है, हेमंत का सही आ गया है, गोलू का सही आ गया है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महानदी का प्राचीन नाम नहीं है, तो महानदी का प्राचीन नाम नहीं है क्या है, तो महानदी का प्राचीन नाम अलकनंदा नहीं होगा, ठीक है तो महानदी का प्राचीन नाम क्या क्या है, तो देखिए कनक नंदनी, नीलोत्पला, चित्रोत्पला या महानंदा, ये सब महानदी के प्राचीन नाम है, ठीक है तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या आएगा, तो महानदी का प्राचीन नाम नहीं है तो इसका आंसर डी आएगा, अलकनंदा नहीं है, जबकि इसमें महानंदा, कनक नंदनी और नीलोत्पला ये तीनों ही महानदी का प्राचीन नाम है, ठीक है। चलिए गुल्लू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज खत्म हो चुका है, ठीक है टेस्ट सीरीज खत्म हो चुका है, आपका लास्ट क्वेश्चन है गुल्लू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, जो गुल्लू जलप्रपात है आपका इब नदी पर स्थित है, ठीक है इब नदी पर, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, बी। अब इब नदी क्यों प्रसिद्ध है, चलिए बताइए इब नदी क्यों प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर देखिए आप सभी को मैं बताऊंगा कि इब नदी क्या होता है, ये क्यों प्रसिद्ध है, तो इब नदी में सोने के कण पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं सोने के कण पाए जाते हैं, अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहता तो क्या आता है, देखिए
राजेश कह रहा है ऑप्शन में नहीं दिया तो क्या होगा। देखिए गुल्लू जलप्रपात तो इब नदी पर ही स्थित है, तो ऑप्शन की वाली बात ही नहीं है यहाँ पर, है ना। इब नदी, हाँ सोने के कण पाए जाते हैं ना, सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए टेस्ट आप लोगों का ख़त्म हो चुका है। हाँ थैंक यू थैंक यू। एक और बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, 26 सितंबर से हमारे यूट्यूब चैनल पर यानी कि मैथ्स एजुकेशन पर आपका छात्रावास अधीक्षक सब इंस्पेक्टर एडीओ की क्लास यानी कि फिर से शुरू होने वाली है, यानी कि एक नए समय पर नए सिरे से बिल्कुल क्लासेस कराई जाएगी। 26 सितंबर से रात 8 बजे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान गणित की क्लासेस रहेगी, साथ ही सुबह कंप्यूटर की क्लास प्लस करंट अफेयर की क्लास रहेगी। जो लोग चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, 26 सितंबर से हमारे YouTube चैनल पर प्रारंभ होने जा रहा है। ठीक है, जो लोग नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय।